अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बजीज इन्फो चैनल। आज संडे का दिन है और मेरी छुट्टी थी और मैंने सोचा कि आज अपनी बजरी कॉलोनी की सफाई कर दूं। काफ़ी गंद कचरा इकट्ठा हो गया था। सो मैं जब अपनी बजरी कॉलोनी के अंदर आया तो मैंने चेक किया कि मेरे काफ़ी प्लेयर्स ने चिक्स निकाले हुए हैं, उनकी ब्रीड आ चुकी है। सोचा आप लोगों से भी शेयर करता चलूँ। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा एक वर्किंग पेयर यानी टीसीबी का मेल और होगोरोमो की फ़ीमेल थी जो कि ब्रीडिंग नहीं कर रहे थे, उन्होंने ब्रीडिंग कैसे स्टार्ट की। ये मेरे पाइट की फ़ीमेल है, इसके साथ मैंने अपना रेडाइज का पुराना मेल लगाया है और इसकी ये इस फीमेल की फर्स्ट ब्रीड है। माशाल्लाह से इसने 5 एग दिए हैं। इस मिटकी में देखते हैं कि फीमेल ने एग ले किए हैं या नहीं। ये फेलो क्रिस्टेड की फ़ीमेल है और इसके साथ टीसीबी क्रिस्टेड का मेल है। लास्ट क्लच में इसने 2 बच्चे निकाले थे। एक बच्चा मैंने इसके पास फॉस्टर किया था, अभी तक इसने अंडे ले नहीं किए। ये मेरा पुराना पेयर है और इस फीमेल ने इस बार एक ही बच्चा निकाला था। एक अंडा मैंने इसके पास होगोरोमो पेयर का फॉस्टर किया था जिसमें से चिक्स निकल आया है और आपको नज़र आ रहा होगा लाइट ग्रीन स्पेंगल चिक्स है। इसके फ्लावर भी काफ़ी अच्छे हैं। और एक और बच्चा मैंने इसके पास फॉस्टर किया था उस फीमेल का जिसने 5 बच्चे निकाले थे, वर्किंग पेयर जो था मेरा, और 3 बच्चे हैं अभी इसके पास और माशाल्लाह तीनों बहुत अच्छे तरीके से पाल रही है। ये इस कॉलोनी का चौथा पेयर है, इसका ये सेकंड क्लच है। लास्ट टाइम इसने 4 बच्चे निकाले थे और एक बच्चा मैंने इसके पास फॉस्टर किया था। 5ों बच्चे माशाल्लाह इसने काफ़ी अच्छे पाले थे। इस बार इसने 3 बच्चे निकाले हैं और सोच रहा हूँ कि एक बच्चा और इसके पास फॉस्टर करूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा अपने बच्चों को पालती है। तो मैं देखूँगा कि जिस फीमेल के पास बच्चे ज़्यादा होंगे उनमें से एक बच्चा इसके पास फॉस्टर कर दूँगा। लीजिए जनाब, ये है उस पेयर की मटकी जिसका जिक्र मैंने आपसे वीडियो के शुरू में किया था, यानी टीसीबी का मेल है और होगोरोमो की फ़ीमेल है। ये मेरा वर्किंग पेयर है, इसने 5 बच्चे निकाले थे जिसमें से एक बच्चा मैंने एक पेयर के नीचे फॉस्टर किया है और एक बच्चा दूसरे पेयर के नीचे फॉस्टर किया है। 3 बच्चे इसके नीचे हैं जिसमें से एक रेडाइज है। तो जनाब, ये थी मेरी बजरी कॉलोनी के चंद पेयर की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक बात कही थी कि मेरा एक पेयर ब्रीड नहीं कर रहा था। इस पेयर की फ़ीमेल सामने आपको मटकी में बैठी हुई नज़र आ रही होगी, होगोरोमो फीमेल है। इस पेयर को मैंने एक अलग केज में रखा हुआ था जहाँ ये ब्रीड नहीं कर रहा था। इसे मैंने वापस अपनी बजरी कॉलोनी में छोड़ दिया और एक हफ्ते के अंदर इसने ब्रीड स्टार्ट कर दी। अगर आपके पास भी कोई पेयर ब्रीड नहीं कर रहा तो उसकी जगह चेंज करके देखें। ये मेरा एक और पेयर है, इसको मैंने पोर्शन केज में रखा हुआ है और इस फीमेल ने लास्ट टाइम ब्रीड की थी लेकिन बच्चे नहीं निकाले, लेकिन इस दफ़ा इसने सारी कसर निकाल दी है। तकरीबन 6 बच्चे निकाले हैं और एक बच्चा मैंने इसके पास होगोरोमो फीमेल का फॉस्टर किया है। ये मेरा होगोरोमो का पेयर है। लास्ट ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो में मैंने इसकी प्रोग्रेस आपको दिखाई थी। लास्ट ब्रीडिंग क्लच में इसने 2 बच्चे निकाले थे और इस दफ़ा इसने अभी तक एग ले नहीं किए। एक अंडा दिया था जो कि मैंने दूसरी फीमेल के नीचे फॉस्टर कर दिया, जिसका बच्चा आप देख चुके हैं। तो अभी ये जल्द ही एग ले कर देगी दोबारा और इंशाल्लाह इस दफ़ा उम्मीद है कि अच्छी प्रोग्रेस आएगी। ये ज़ेब्रा फिंचेस की मेरी स्मॉल कॉलोनी है जिसमें तकरीबन 4 पेयर हैं। एक पेयर ने कुछ अर्सा पहले ब्रीड की थी जिसमें से 2 बच्चे निकले थे
जबकि बाकी पेयर ने नेस्टिंग कर रखी है और इंशाल्लाह जल्द ही ब्रीडिंग स्टार्ट कर लेंगे, आप देख सकते हैं। और जब इनकी ब्रीड आएगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। ये थी मेरी कॉलोनी की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तकरीबन इस कॉलोनी में 7 पेयर हैं, जिसमें से 4 पेयर ने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है, जबकि 2 फीमेल मेरी फाइट करके मर गई थी, काफ़ी ज़ख्मी हो गई थी। उस वक्त मैं काम पे था और मैं नहीं देख सका, और रात को जब मैं आया तो मैंने देखा कि दोनों एक्सपायर हो चुकी हैं, जबकि 1 पेयर ने अभी तक ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं की, और 4 पेयर के पास जो है चिक्स आ चुके हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख चुके हैं। 2 पेयर मैंने अलग रखे हुए हैं, जिसमें से एक होगोरोमो का पेयर है और एक वाइट पेयर जो कि मैंने आपको दिखाया था, जिस पेयर में 6 चिक्स निकाले हुए हैं। इसके अलावा मैंने फिंचेस भी रखी हुई हैं। ये सब मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।